हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ यो व्हाट्सएप की 5 ऐसी थीम जिसमें आपका दिल आ जाएगा। तो अगर आप भी एक यो व्हाट्सएप यूज़र हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए चांदी चांदी है। लेकिन जो लोग अभी यो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सिंपल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो भी वो इन थीम्स को देख लें ताकि हो सकता है शायद उनका मन बदल जाए और उनको भी फिर यो व्हाट्सएप पर स्विच करना पड़े। तो मैं कुछ फीचर्स भी बताऊँगा और 5 ऐसी थीम्स लेके आया हूँ जिसको आप अगर अपने यो व्हाट्सएप पर अप्लाई करते हैं तो आपका जो माइंड है वो ऐसे ब्लो हो जाएगा, जो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और उस घंटे को भी दबा दो, ठीक है। दोस्तों, 5 ही थीम्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है। वीडियो के नीचे ही एक एरो बना होता है जहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो के बारे में पता चलेगा, थोड़ा बहुत लिखा होता है वहीं पर, उसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जस्ट वीडियो के नीचे होता है, वहीं से आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, बल्कि ये फाइल्स जो होंगी वो सारी जिप फाइल में होंगी, तो आपको इन्हें एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है ये .xml में चेंज हो जाएंगी, उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक्सट्रैक्ट करके किसी और फोल्डर में डालना है, उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी और आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हो अपने यो व्हाट्सएप पर। अब जिनके पास यो व्हाट्सएप नहीं है वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि उनका मन बदलने वाला है, मैं 100% कह सकता हूं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक एक करके जो थीम है वो अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो आपको चले जाना है अपने यो व्हाट्सएप पर। यो व्हाट्सएप ओपन किया, यहां पर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, तो 3 डॉट्स पे जाने के बाद क्लिक करना है यो मोड्स पे। उसके बाद आपको लोड थीम पे क्लिक कर लेना है। लोड थीम पे क्लिक करने के बाद आपके सभी फोल्डर आ जाएंगे, तो जिस भी फोल्डर में आपने रखी है अपनी फाइल वहाँ पर आपको डायरेक्टली उसे अप्लाई कर देना है। तो मैं एक एक करके थीम दिखाता हूँ। तो पहली थीम है, जो लोग कार्टून के शौकीन है, गोकू ऐसा करके कोई कार्टून आता है ये उसका है, तो ये थीम बहुत ही अच्छी है। थीम ना केवल लुक बदलती है बल्कि थोड़े बहुत आइकन और जो मॉडिफिकेशन कर देती है आप लोगों को, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में। तो ब्लू से आप लिखेंगे और येलो से आपका मैसेज कोई आएगा, तो ये इस तरीके से कलर भी चेंज होता है और पूरा का पूरा स्टाइल भी चेंज हो जाता है, फॉन्ट चेंज हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये थी पहली थीम। उसके बाद बताता हूँ दूसरी थीम। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ सेकेंड थीम को। सेकेंड थीम अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा गैप दिया हुआ है, तो इसका भी एक अलग ही मज़ा है। और ये पूरा बैकग्राउंड जो है इसका ब्लर है, लेकिन अंदर जब आप चैट करेंगे तो ये इस तरीके का दिखता है। और नीचे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सेंड करने के लिए ऐसे ही ऑप्शन दिख रहे हैं, या आप डायरेक्टली क्लिक करके सेंड कर सकते हो कोई भी मीडिया फाइल को, या फिर कोई लोकेशन वाला ऑप्शन हो तो यहाँ पर आपके सामने ही ये सब चीज़ें दिख जाती हैं, आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, तो ये अच्छी बात है इस चीज़ में। और उसके बाद अप्लाई करते हैं हम हमारी तीसरी थीम को। तो अगेन सेम प्रोसेस है, जाना है यो मोड्स पे, लोड थीम करनी है और यहाँ पर अपनी फोल्डर पे जाके अपनी थीम्स को ढूंढ लेना है। तो ये बच्चों वाली है थोड़ी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है बना हुआ है, तो ये भी बहुत ही अच्छी खास थीम लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शंस आ गए, तो ये थोड़ी इस टाइप की है, यहाँ पर आपको साइड पे नाम लिखे हुए दिखेंगे और यहाँ पे आपको वैसे ही इजीली क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप इतना ही नहीं, यहाँ पे वॉलपेपर आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद एक और सिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर चैट के बारे में, कि अगर आप अपना नाम चेंज करते हो तो वही चीज़ आपके ऊपर लिख के आएगी। लोगों के यहाँ पे ऊपर पे व्हाट्सएप लिखा होता है, तो यहाँ पर आपका नाम लिख जाएगा श्रेय, जैसे मैंने लिखा वहाँ पे। उसके बाद वापस से एक और थीम लोड करते हैं और दिखाते हैं। ये थीम नंबर 4 है और ये देख सकते हैं आउल वाली है, तो यहाँ पर आपको स्टेटस और चैट वो सब लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, कॉल्स ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये इसकी खासियत है। आप स्वाइप करिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ऊपर कोई हेडिंग नहीं पड़ी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप चैट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन ऊपर पे ही दिख जाते हैं, छोटे छोटे मीडिया फाइल्स को सेंड करना है या फिर म्यूज़िक सेंड करना है लोकेशन वाला, तो वो छोटा सा अलग सा दिखता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही अलग अलग है। अब बात करते हैं हमारी आखिरी थीम को, मैं अप्लाई कर देता हूँ, जो कि है 5th नंबर की। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, अगेन फोल्डर में गए, 5th थीम दिखती है कुछ इस तरीके की। ये थोड़ी लड़कियों वाली टाइप है, तो ये आप लड़कियां यूज़ कर सकती हैं। और इसके फॉन्ट भी आप देख सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज हो चुके हैं, जो ये आप देख रहे हैं चैट कर रहे हैं उसके फॉन्ट भी कुछ अलग हैं और अंदर टेडी बियर बना है। और यहाँ 5 ही ऑप्शन एक अलग से आते हैं देखिए, जो ऑलरेडी हैं, तो आपको कोई बटन नहीं अप्लाई करना। और इतना ही नहीं, आप एक एक पर्सनल चैट पर पिन और पैटर्न भी लगा सकते हैं, ये इसके फीचर हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 ही थीम्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। न्यूज़ नहीं लेता मैं, वायरल ना होता मैं, पंगा नहीं लेना बन टाई बिना बात, मरना बात बढ़ जाए फटाफट सरा साथ। 4 दिन वाला सेम, मुझे कोई शौक नहीं, ये हिप हॉप है, स्टाइल मेरा महंगा, ऊपर से मुझे कोई लेबल का रूप, मेरे गाने सारे आते मेरे सड़क से, तू शाना तो येड़े में नरक से।